कहता है एक हम लोग के पास बल्ब है, एक हम बल्ब लेके आए और कनेक्ट टू 6 वाट सप्लाई द पावर। बहुत आसान क्वेश्चन है, 9th 10th का क्वेश्चन है। एक एक बल्ब हमने मार्केट से लेके आया, ये जो भी है हमने बल्ब लेके आए, इसको हमने घर में सप्लाई से कनेक्ट कर दिए। कितने सप्लाई से कनेक्ट कर दिए? 160 वाट पावर हमारे घर में था तो ये हमने कनेक्ट किया। बल्ब की जो डेटा है वो 100 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है और 220 वोल्ट मैक्सिमम इसके क्रॉस लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये आराम से ग्लो करेगा, ठीक है, आराम से ग्लो करेगा क्योंकि इसके क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज 200 अप्लाई किया जा सकता है। तो कहता है कि पावर कितना लगेगा, तो बल्ब के लिए अगर कैलकुलेट करोगे बल्ब की डेटा से, तो बल्ब के लिए पावर इज इक्वल टू होता है V²/R। बल्ब क्या है? कुछ नहीं, ये एक फिलामेंट है, रेजिस्टेंस है। तो ये सर्किट कुछ ऐसे रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगी। तो ये प्लस माइनस 160 वोल्ट की बैटरी है और इसमें करंट आई जा रही होगी और कुछ पावर कंज्यूम कर रहा होगा ये रेजिस्टेंस। तो ये जो बल्ब है वो एक फिलामेंट और रेजिस्टेंस इस तरह से इक्विवेलेंट हो सकता है। चलो, तो पावर कंज्यूम जो बल्ब का अगर डेटा कैलकुलेट करोगे तो बल्ब का रेजिस्टेंस यहाँ से मुझे मिल जाएगा। बल्ब कितना मैक्सिमम वोल्टेज ले सकता है? 200, और बल्ब की जो पावर है वो 100 है, ठीक है। तो ये दो जीरो ने दो जीरो को खत्म कर दिया, दैट इज 400 ओम। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। जो बल्ब मार्केट से लेके आए हैं वो इसकी रेजिस्टेंस इतनी है प्यारे बच्चों। चलो, तो अगर इसकी रेजिस्टेंस इतनी है तो हम लोग को पावर फॉर पूरे सर्किट के लिए लगा देते हैं। पूरे सर्किट के लिए लगा दो, कौन सा? यही वाला फार्मूला P=V²/R। पूरे सर्किट के लिए कितना रेजिस्टेंस से पावर कंज्यूम कर रहा है या बल्ब कंज्यूम कर रहा है, बात बराबर है। तो अगर पूरे सर्किट के लिए लगाओगे तो 160 × 160 V² और ओवर रेजिस्टेंस पहले ही कैलकुलेट किए हो 400, तो ये जीरो ने जीरो को ख़त्म कर दिया, तो ये 4 times ख़त्म हो गया और 16×64 W पावर कंज्यूम कर रहा होगा। दैट इज सी ऑप्शन सही है। तो जब कभी भी बल्ब वाला ऐसा प्रॉब्लम आए तो बल्ब की कहानी अलग होती है, पूरे सर्किट की कहानी अलग होती है।